तेरे एहसास को मिटाते मिटाते हम खुद भी मिट चुके हैं। तेरे एहसास को मिटाते मिटाते हम खुद भी मिट चुके हैं। दर्द के ना जाने कितने घूंट पी चुके हैं। अब बस भी करे मन मान ले मेरा कहना, क्योंकि अब हम सहते सहते जिंदगी के कई सबक जी चुके हैं। नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पीपल, ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग सॉरी ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जानते ही, पिछले वीडियो में हमने एक्शन मोड ऑन किया है, क्योंकि सहने का पीरियड काफ़ी हो चुका है। अब करने की बारी है, जो सोचा है वो करने की बारी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर डिलीट करना है। तो बिल्कुल ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप हमने लिया है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आप कोशिश करेंगे तभी कुछ होगा। भले एक बार डिलीट करके दोबारा सेव करो, लेकिन एक बार डिलीट करना ज़रूरी है। मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक बार माइलस्टोन पार कर लेंगे तो बार बार उसे पार करने की हिम्मत हमें मिलेगी। जहाँ कहीं भी वो नंबर आपने लिखा होगा, जब उस जगह से भी उस नंबर को आप मिटा दोगे, तो बिल्कुल ये समझ लेना कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से या काफ़ी हद तक रेडी हो। क्योंकि आपने वो जो ज़रिया था उसे दोबारा कांटेक्ट करने का, वो भी अभी आप मिटा चुके हो। फ़ोन से तो गया ही था, जहाँ सेव करके लिख कर रखा था वो भी आपने मिटाया है, ठीक है। जब आप उस पड़ाव पर आ जाओगे, आप उस पल को जी लोगे जहाँ ना वो होगा, ना व्हाट्सअप का लास्ट सीन होगा, ना बार बार स्टेटस चेक करना होगा, ना फ़ोन में उसका नंबर होगा, ना उसके चैट्स होंगे, ना कहीं और उसका नंबर सेव होगा। उसके बाद हमें एक और स्टेप करना है। ये पहले भी किया जा सकता है, लेकिन उस समय बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे एहसास जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, उस वक्त बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा स्टेप लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ तक पहुँचते वो जो एहसास है वो थोड़े कम हो चुके हैं। ज़िंदगी की रियलिटी को हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। खुद को हमने टाइम दिया, उस इंसान को टाइम दिया। अब हम रेडी है अपना अगला पड़ाव के लिए। और वो ये है कि जब हमें आगे बढ़ना है, तो अपने अंदर से सिर्फ उस इंसान के एहसास को नहीं ख़त्म करना है, बल्कि उससे जुड़ी हर चीज़ को भी करना है, ताकि कल को दोबारा जब सामने आए उस वो कोई भी चीज़, तो हमें कोई तकलीफ ना हो। मैं इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी, ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करके करता है कि कुछ चीज़ ऐसे होती है, भले लोग चले जाए लेकिन हम फिर भी संभाल कर रखते हैं। अगर आप एक अच्छी याद की तरह उसे संभाल कर रखना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन आपको उस चीज़ को देखकर अगर हमेशा आपने रोना ही है, तो फिर उसे अपने नज़रों के सामने रखने का कोई मकसद नहीं। मतलब जब उसे देखकर आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ, ये मेरी एक गलती थी, अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस नज़रिए से अगर आप उस चीज़ को देखते हो, तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब भी आप उसे देखते हो, उदास हो जाते हो, मन दुखी हो जाता है, और फिर सवाल करने लग जाते हो उस इंसान जो जो यहाँ पे है नहीं और ना ही कभी होगा जवाब देने के लिए, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम वही अटक कर रह जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ों से मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि जब जब वो फेज़ होता है, स्टार्ट होता है रिलेशनशिप कोई भी, तो एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है, या कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं उस इंसान से जुड़ी जो हम अपने पास बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखते हैं, ठीक है। तो अब वो इंसान नहीं रहा है, उसे याद करने पर सिर्फ दर्द ही होता है, आंसू ही आते हैं। तो हो सकता है उससे जुड़ी चीज़ों को देखकर भी आपको दर्द हो, आंसू आए। अगर उन चीज़ों को देखकर आपको मोटिवेशन मिलता है, कि ये एहसास होता है कि नहीं, ये जो गलती हमने की थी हम दोबारा ना करें, तो उस चीज़ को आप इस तरह से रख रहे हो कि वो एक सबक है और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद करे, तो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर उसे देखकर आप बार बार उन पिछली यादों में जा रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये वो एक्शन टाइम होगा, या तो आपको वो चीज़ें अपने से दूर करनी होगी, शायद फाड़नी पड़ जाए या जलानी पड़ जाए, या
फेंकनी पड़ जाए। फेंकना शायद मुश्किल होगा क्योंकि उससे हमारी अच्छी यादें जुड़ी होगी, तो इस तरह से अपने फीलिंग्स की डिसरिस्पेक्ट करना शायद ही किसी को पसंद है। तो किसी को दे सकते हो इस्तेमाल करने के लिए, तो कोई बुराई नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं उससे, तो बिल्कुल किया जा सकता है। कोई उसे अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे काम के लिए यूज़ करेगा, वो जो चीज़ बुरी थी वो किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है। नहीं देना चाहते तो जिस तरीके से भी उसे नदी मतलब कहीं पर बहा देना चाहते हैं, जैसे भी आप दूर कर पाए, जो तरीका आपको सही लगे, सही तरीके से उस चीज़ को जो है आप खुद से दूर कर दीजिए। ठीक है, तो कई तरीके हैं। थोड़ा सा पानी लेकर आप उसमें उसे डुबा सकते हैं या फाड़ कर फेंक सकते हैं, आप चाहे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं फेंकना चाहते हैं कचरे या किसी चीज़ में, तो किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे दीजिए। लेकिन अगर वो आपके दर्द का कारण है, तो किसी भी वजह से आपको उसे अपने साथ में नहीं रखना है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब, पॉजिटिव वे से अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बातें रखी है, लेकिन अगर उसको देखकर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आती है, तो हमें अपने आसपास की जितनी भी ये नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको ख़त्म करना है, ताकि हम जो है पॉजिटिवली सोच सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यही है। बहुत मुश्किल कदम है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत आसानी से हो जाएगा। हो सकता है आप उसे निकालो भी फाड़ने के लिए या फेंकने के लिए, तो मन ना करे पर रख लो। तो यहाँ पर भी मैं वही चीज़ करूँगी, एक कहूँगी कि एक बार कोशिश जरूर करनी है आपने। इतना तो होगा कि मैंने उठकर अपने अंदर सोचा उस चीज़ को, वो चीज़ हमारे दिमाग में आई और मैंने उसको थोड़ा सा आगे कदम भी बढ़ाया, निकाला बाहर। भले ही मैं उसे फेंक नहीं पाई, लेकिन मैंने कोशिश की। आज ना फेंक पाऊँ, हो सकता है एक महीने बाद मेरे अंदर धीरे धीरे कोशिश करते करते इतनी हिम्मत आ जाए कि अब मैं उस चीज़ को अपने आप से अलग कर सकती हूँ। कोई भी चीज़ देखिए जो हमसे जुड़ी हो, बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, तो झटके से नहीं जाती है, हमें टाइम देना होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आपने टाइम देना ही पड़ेगा। तो कोई चीज़ अपने से दूर करना है आपको, उस इंसान से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अपने से दूर करनी है, तो बहुत ज़रूरी है एक्शन लेना एक टाइम में। शायद ना हो पाए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, एक ट्रायल कर लीजिए एक्ट की तरह की। भले आप जलाए ना उसे, फेंके ना या फाड़े, जो भी है ना करें, लेकिन एक बार सोचिए अपने मन में कि अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, उसे फाड़ देता हूँ या फेंक देता हूँ, तो क्या होगा, मैं क्या सोचूंगा, मैं रह पाऊँगा कि नहीं। तो एक बार निकाले बाहर, एक बार कोशिश करें, ना हो पाए तो वापस से रख दीजिए। एटलीस्ट ये होगा कि आपने एक कदम आगे बढ़ाया, आपने कुछ सोचा। और जब वो सोच खुलेगी, यही होता है कि जब हम रास्ते खोलते हैं तो कई खुल जाते हैं, और जब हम बंद करके रखते हैं उन्हें, तो जो बचे खुचे खुले रास्ते होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। तो हमें धीरे धीरे करके हमारी परेशानियाँ हमें सुलझानी है, तो हमें एक एक करके सारे रास्ते निकालने हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप, जो अगला एक्शन आपको लेना है, बहुत ज़रूरी है, आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आज से पहले भी लोगों ने किया और आज के बाद भी लोग करेंगे, तो आप भी उन लोगों का हिस्सा बनिए। उन लोगों से सबक लीजिए जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहकर आगे बढ़े हैं। ठीक है, अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, खासकर वो चीज़ जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। जो इंसान जा चुका है उसके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब करना, और जो इतनी मुश्किलों से आपको मिली होगी, आपके माँ बाप ने आपको दी होगी, उसे यही ज़ाया नहीं जाने देना है। ठीक है, व्यर्थ नहीं करना है। तो जो भी चीज़ें जुड़ी है, अगर पॉजिटिव वे में ले सकते हैं तो लीजिए, अगर नहीं तो हमें कोशिश करनी है कि हम उसे खुद से दूर करें, सिर्फ इंसान में उससे जुड़ी चीज़ों को भी। एक बार कोशिश कीजिए, नहीं हो पाएगा तो धीरे करते 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 हम प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दिन वो भी आएगा कि हम उस चीज़ को कर पाएंगे जो शायद कुछ दिन पहले तक हमें थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी। ठीक है, तो कोशिश हमें करते रहना है, भले एक बार में ना हो पाए, 100 बार लगे, हम 100 बार वो एक्शन करें, लेकिन एक तो टाइम वो आएगा ही, चाहे 1000 बार के बाद ही आए, कि जब आप उस एक्शन को कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक बार कोशिश करनी ही होगी। जब तक हम नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर बाद में हो ना हो वो बाद की बात है, लेकिन कोशिश करनी है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, वो आपकी लाइफ को बेटर बनाने में आपकी हेल्प करें। तो इसे अच्छी उम्मीद और सोच के साथ मिलते हैं कल के वीडियो में। जहाँ भी रहे, दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।